Good morning students, welcome to all in your maths class. Today we will do again chapter 14, lines and angles. First of all we will do practice zone 1 of chapter 14. Points. What is point? I have discussed about point. A point is an exact location on a plane. It is usually represented by a dot. This is called point. Now we will do practice zone 1. Count the number of endpoints in the given figures and write the points. Total count the number of endpoints. So number of points kitne honge? 1 point, 2 point, 3 point, 4 point. The number of points, 4. Points, so write the points. The points name likhne hai, point kon kon se hai? Point A, point B, point C and D. D. Number of points. Total count number of points 1, 2, 3, 4, 5. Number of points 5. Point name kya hai? S, P, Q, R, S, T. P, Q, R, S and T. These are points. We will learn difference between line segment and ray. First of all, we will discuss about lines. It has no endpoint. Line has no endpoint. Number two, line can be extended on both sides. Line ko hum dono side mein extend kar sakte hain. Line has infinite length. Line has infinite length. It is represented line AB. Agar line ke upar ye sign draw hai, to it means line. It means line. So line has no endpoint. Line can be extended on both sides. Line has infinite length and it is represented as line AB. Now we will learn line segment. It has two endpoints. It means line segment. Line segment has two endpoints. Line segment can be extended. Can be extended. यानी कि ये फिक्स लेंथ रखती है, इसको हम बोथ साइड में एक्सटेंड नहीं कर सकते. इट कैन बी मेजरमेंट. हम लाइन का जो लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट कर सकते हैं, लाइन का मेजरमेंट नहीं कर सकते, रे का भी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते. लाइन सेगमेंट हैज़ फिक्स लेंथ. लाइन सेगमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज ए बी. अगर यहाँ देखे ऊपर ए बी के ऊपर जो है लाइन सेगमेंट का साइन ड्रॉ है, तो इट मीन्स लाइन सेगमेंट ए बी. लाइन सेगमेंट ए बी. नाउ वी विल लर्न अबाउट रे. रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट. लाइन हैज़ टू एंड पॉइंट. लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. Line segment has two endpoint and ray has only one endpoint. Ray has only one endpoint. Ray can be extended on one side. On one side. Line ko hum both side mein extended kar sakte hain. Line segment ko hum extend nahi kar sakte. Aur ray ko only one side extend kar sakte hain. Ray has infinite length. Ray is represented
एज ए बी। अगर हम ए बी के ऊपर रे का साइन दिया हुआ है, इट मीन्स रे ए बी। तो ये हमको लाइन सेगमेंट एंड रे का जो ये डिफरेंस है, इनके बारे में हमें अच्छे से लर्न करना है कि लाइन व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट एंड व्हाट इज़ रे। अब ये है इनका डिफरेंस। नाउ वी विल डू प्रैक्टिस जोन टू। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर लाइन रे और लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर जो है ये कुछ लाइंस दी हुई हैं, अब आपको उन्हें रिकॉग्नाइज करना है कि विच इज़ लाइन सेगमेंट, विच इज़ लाइन, विच इज़ रे। तो फर्स्ट वाला, अब ये देखिए टू एंड पॉइंट रखता है। यहाँ पे लिखा है इट हैज़ टू, लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, तो ये क्या होगी, लाइन सेगमेंट। तो व्हाट इज़ द लाइन नेम, क्या है इसका, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट सेकंड, अब इट हैज़ टू एंड पॉइंट, तो ये भी आपकी क्या है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट सेगमेंट ये क्या है, लाइन सेगमेंट। सी, अब ये देखिए दो एरो बने हुए हैं, तो क्या मीन्स हुआ इसका, इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। तो हम बोथ साइड में किसे एक्सटेंडेड कर सकते हैं, लाइन को, तो ये क्या है हमारी, लाइन। अब ये क्या है, डी। अब ये देखिए वन एंड पॉइंट और इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन वन साइड में हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, वन ये पॉइंट रखती है, तो ये क्या होगी, इट इज रे, इट इज आल्सो रे। एंड अब ये क्या है, बोथ साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों तरफ एरो का मार्क है, तो इसका मीन्स क्या है, लाइन, इट इज लाइन। अब हाउ, क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन दी फॉलोइंग फिगर्स, नेम देम। अब ये जो हैं, जो प्रॉपर फिक्स लेंथ रखती है, इट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब उसने कहा है कि जो ये फिगर्स हैं ये कितनी लाइन सेगमेंट रखती हैं, तो काउंट करते हैं कितनी लाइन सेगमेंट हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो दिस फिगर हैज़ सिक्स लाइन सेगमेंट्स, तो सिक्स लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स। तो इट हैज़ सिक्स लाइन सेगमेंट्स। अब हमें क्या कहा है उसने, दे, अब हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन दी फॉलोइंग फिगर, नेम देम। अब उनके नेम भी देने हैं, तो क्या नेम है उनके, लाइन सेगमेंट ए बी। तो लाइन सेगमेंट ए बी, तो लाइन सेगमेंट ए बी यानी कि अगर हम इसके ऊपर लाइन का मार्क ड्रॉ करेंगे, तो इसका मीन्स क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट सी डी, लाइन सेगमेंट डी ई, लाइन सेगमेंट ई एफ एंड लाइन सेगमेंट एफ ए, लाइन सेगमेंट एफ ए, एफ ए, ये है लाइन सेगमेंट का साइन। तो देखिए लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट सी डी, लाइन सेगमेंट डी ई, लाइन सेगमेंट ई एफ और लाइन सेगमेंट ई ए। तो कितने हो गए लाइन सेगमेंट, सिक्स लाइन सेगमेंट्स हो गए और ये इनके नेम हो गए। क्वेश्चन नंबर बी, तो कितने लाइंस हैं, देखिए लाइन सेगमेंट्स कितनी हैं, काउंट करते हैं कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं इसमें। तो ये देखिए क्यू
पी क्यू आर एस टी यू। तो पी से काउंट करते हैं हम, वन लाइन सेगमेंट, टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो इट हैज़ इट सेप हैज़ ऑल्सो सिक्स लाइन सेगमेंट, सिक्स लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट्स कौन कौन सी, पी क्यू, क्यू आर, लाइन सेगमेंट क्यू आर, लाइन सेगमेंट आर एस, लाइन सेगमेंट एस टी, लाइन सेगमेंट टी यू, लाइन सेगमेंट यू पी। तो देखे लाइन सेगमेंट पी क्यू, लाइन सेगमेंट क्यू आर, लाइन सेगमेंट आर एस, लाइन सेगमेंट एस टी, लाइन सेगमेंट टी यू और लाइन सेगमेंट यू पी। तो टोटल कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो टोटल लाइन सेगमेंट्स कितनी है, सिक्स लाइन सेगमेंट्स। तो ये था हमारा प्रैक्टिस जोन टू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रैक्टिस जोन थ्री। प्रैक्टिस जोन थ्री, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। तो अब हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट्स। तो विद द हेल्प ऑफ स्केल्स, विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या करेंगे, इनका जो है जीरो सेंटीमीटर से स्टार्टिंग पॉइंट पर हमें इतना स्केल रखना है और इसका हमें मेज़रमेंट करना है लाइन सेगमेंट का। और यहाँ पर जितने भी इसकी लेंथ है उतना हमें इसे उसका मेज़रमेंट यहाँ पर लिखना है कि कितने सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो दिस इज़ योर होमवर्क, दिस प्रैक्टिस जोन डू योर सेल्फ। नाउ वी विल डू प्रैक्टिस जोन थ्री, मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। तो अब ये जो लाइंस दी हुई हैं, लाइन सेगमेंट हैं, ये लाइन सेगमेंट्स दी हुई हैं, हमें इनका मेज़रमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो अब जीरो सेंटीमीटर हमें जो स्टार्टिंग करनी है उस मेज़रमेंट करने के लिए, वो रूलर जो रखना है वो जीरो सेंटीमीटर से इसकी लेंथ का मेज़रमेंट करना है और यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर लेंथ है उसको हमें राइट करना है। तो ये जो है आपका, ये है आपका होमवर्क, दिस प्रैक्टिस जोन डू योर सेल्फ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू।